गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हम लोग नोटपैड पढ़ रहे थे। फिर से हम लोग ओपन करते हैं नोटपैड। मैंने आपको फाइल मेनू बताया, आपको न्यू न्यू विंडो, ओपन, सेव, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट, एडिट। इसी के अंतर्गत एडिट मेनू में आपको मैंने अंडू, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, फाइंड और रिप्लेस आपको बताया, डेट बताया, आपको बताया पूरे ऑप्शन इसको क्लियर किया। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, नेक्स्ट मेनू है आपका फॉर्मेट मेनू। जैसा कि आपको पता ही है, ये आपका टाइटल बार है, ये आपका मेनू बार है, ये आपका टेस्ट एरिया है, ये आपका स्टेटस बार है। ठीक है, चलिए हम लोग इस पे वर्क करते हैं। इसको आपको कॉपी करना है। आप क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करने के बाद शॉर्टकट कंट्रोल सी या फिर एडिट मेनू में जाकर कॉपी पे क्लिक करेंगे। ओके, पेस्ट करने के लिए एडिट में जाके आप पेस्ट करिए या फिर कंट्रोल डी प्रेस करिए। ये देखिए, अभी आप ध्यान दीजिए, अब जब भी मैं इस लाइन में पेस्ट कर रहा हूं तो हमारा जो कर्जर है ये आपका बढ़ता जा रहा है। ये देखिए, पूरा ही बढ़ता जा रहा है। कंट्रोल बी किया, ये देखिए आपका स्क्रॉल बार ये आ रहा है, ये देखिए, देख रहे हैं। इसी में टॉपिक आपका है फॉर्मेट ऑप्शन में वर्ल्ड वेब। यदि हमने यहाँ पे वर्ल्ड वेब ऑप्शन का प्रयोग कर दिया, ये देखिए वर्ल्ड वेब पे क्लिक किया, डिफरेंस समझ में आया। जहां पे हमारा कर्जा था वहां से आगे का मैटर आपका क्या हुआ, नेक्स्ट लाइन पे शो होने लगा। मतलब जो आपकी स्क्रीन है, जैसे आपकी स्क्रीन इसको बड़ा करेंगे, देखिए पूरी एक लाइन में आएगा, लेकिन जब हम इसको छोटा करेंगे, मिनिमाइज करेंगे, तो जितना आपका कंसोल विंडो है, जो आपकी विंडो दिख रही है, उस विंडो में आपको मैटर अपने आप फिट हो जाता है। ये आपका कहलाता है वर्ल्ड वेब। फिर से देखिए, इसको हमने अनचेक कर दिया, फिर से आपका उसी में हो गया। ये देखिए पूरी लाइन में आ रहा है। देखिए जब हम वर्ल्ड वेब करेंगे, आपका ये मैटर ऑटोमेटिक वहां से शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है? ये देखिए, ये देखिए हमने क्या किया था, यहां पे स्पेस दे दिया था। अब देखिएगा क्या होगा। इसी ऑप्शन में आपका नेक्स्ट ऑप्शन है फॉन्ट। क्या है फॉन्ट, इस पर हम क्लिक करेंगे, आपको एक विंडो ओपन होके आएगी। थोड़ा वेट करिए, ये देखिए फॉन्ट ऑप्शन पे क्लिक करने पर आपकी जो फॉन्ट विंडो ओपन होके आ रही है, इसमें पहला ऑप्शन है आपका फॉन्ट, दूसरा है आपका फॉन्ट स्टाइल, तीसरा है साइज, और आपको स्क्रिप्ट दिख रहा है। देखिए अभी मान लीजिए हमने इसको सेलेक्ट किया, ओके, फिर यहां पे फॉन्ट पे गए। देखिए अब हम इस सेलेक्टेड आइटम को फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो यहां से अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, इसको बोल्ड करना है, रेगुलर करना है, यहां से साइज कम ज्यादा कर सकते हैं और ओके कर देंगे। ध्यान दीजिए, जो आपका नोट पैड है
इसमें ज़्यादा आपकी एडिटिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है, ज़्यादा हम इसमें एडिट नहीं कर सकते, मीन्स ज़्यादा इसको इसका कलर या फॉन्ट साइज फॉन्ट स्टाइल ये हमको सुविधा प्रदान नहीं करता है। यह आपका एक साधारण टेक्स्ट एडिटर है। व्हाट नोटपैड क्या है? आपका एक साधारण टेक्स्ट एडिटर है जो कि हमको टेक्स्ट लिखने की परमिशन प्रदान करता है। यदि हमको इसमें कुछ और फॉर्मेटिंग करना है, इसका फॉन्ट चेंज करना है, तो हम लोग वर्ड पैड या एमएस वर्ड का प्रयोग करते हैं। नोटपैड आपका एक साधारण टेक्स्ट एडिटर टूल होता है। क्लियर है? इसमें जब हम डॉक्यूमेंट सेव करते हैं तो आपको पता है कि इसका एक्सटेंशन क्या होता है, .txt होता है। ओके, व्यू में जूम करना है हमको, जूम कर सकते हैं। जूम इन, कितना आपको जूम करना है, जूम आउट करना है, जूम आउट। स्टेटस बार शो करना है तो ठीक है, नहीं शो करना कर दिया। ओके, यहाँ पर नोटपैड आपका कंप्लीट हो गया, आप इस पर वर्क करिए। चलिए अब इसी नेक्स्ट इसमें टॉपिक है आपका वर्ड पैड। देखिए वर्ड पैड क्या होता है, कलम ओपन कर लेते हैं। इसको बंद किया हमने, सेव करना है तो यस, नहीं तो आपको कहाँ पे उसमें सेव करना है, यहाँ फाइल का नाम दे देंगे और सेव पे क्लिक कर देंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका वर्ड पैड। वर्ड पैड को भी हम लोग दो तरीके से ओपन करते हैं, रन विंडो के द्वारा, रन कमांड के माध्यम से, या फिर सीधे यहाँ सर्च करके हम लोग वर्ड पैड लिखते हैं, यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ये देखिए आपका लिखा हुआ वर्ड पैड, या फिर यहाँ से हम लोग सीधे ये आपका वर्ल्ड पैड है। अब समझते हैं पहले वर्ल्ड पैड है क्या। देखिए नोट पैड प्रोग्राम की तरह ही वर्ल्ड पैड भी विंडोज के अंदर टेक्स्ट एडिटर होता है। जैसे नोट पैड होता है ना, वैसे आपका ये भी टेक्स्ट एडिटर कौन सा है, वर्ल्ड पैड है। यह भी विंडोज का वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम होता है। नोट पैड के अंदर एक सीमित डेटा ही हम लोग रखते हैं, जबकि वर्ड पैड के अंदर असीमित डेटा को हम लोग रख सकते हैं। वर्ड पैड में हम लोग निश्चित होता है कि हमारा इतना ही डेटा इसमें हम लोग लिख सकते हैं, इसके अलावा हम लोग इसमें कुछ मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, कुछ फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते, लेकिन वर्ड पैड में हम लोग ये सब काम कर सकते हैं। देखो वर्ड पैड के अंदर नोट पैड से जाके ज़्यादा फीचर्स होते हैं। देखिए पूरा इसका लुक चेंज हो गया वर्ड पैड का। इसमें हम वर्ड पैड डॉक्यूमेंट्स की कई तरह की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया वर्ड पैड, जैसे वर्ड पैड के अंदर सेलेक्टेड वर्ड लाइन या पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग कर सकते थे, लेकिन नोट पैड में हम भी लोग नहीं कर सकते थे। हम लोग चाहे करें कि एक सेलेक्टेड आइटम को उसको फॉर्मेटिंग कर दें, उसको कलर चेंज कर दें, उसका साइज चेंज कर दें, वो सुविधा उसमें उपलब्ध नहीं होती है। नोट पैड के अंदर सेलेक्टेड वर्ड लाइन की पैराग्राफ हम लोग नहीं कर सकते। वर्ड पैड विंडो के हर वर्जन में आपसे उपलब्ध होता है। आपका विंडोज का कोई भी वर्जन उठा के देख लीजिए या आप काम करिए, सभी वर्जन में आपको वर्ड पैड नोट पैड दोनों आपको मिल जाते हैं, जबकि एमएस वर्ड आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। क्लियर है? आपको मैंने ओपन करके दिखाया। अब देखिए वर्ड पैड जो आपका ओपन हुआ, ये वर्ड पैड विंडो आपके कई भागों में विभाजित है, दिख रहा है आपको? सबसे देखते पहले हम लोग देखते हैं वर्ड पैड जो आपके बटन से दिख रहे हैं। देखिए वर्ड पैड का वर्ड पैड बटन आपका मुख्य भाग है। यह बटन मेनू बार या टैब बार में होता है। ये देखिए ये आपके टैब्स हैं, इसको या हम लोग इसको मेनू बोल सकते हैं। ये देखिए ठीक है, इसमें आपके सेव सेव एज और भी शॉर्टकट के रूप में होते हैं, प्रिंट देख रहे हैं, ये आपका सेव ऑप्शन है। ये देखिए
ये आपको बटन है, यहाँ से हम लोग और भी जोड़ सकते हैं, न्यू भी जोड़ सकते हैं इसमें, ये आपका जो गया ओपन ऑप्शन भी जोड़ सकते हैं। देखिए ये आपके बटन है, ये आपका टाइटल बार है, आपको पता ही है, ये मिनिमाइज मैक्सिमाइज और क्लोज बटन है आपके। देखिए क्विक एक्सेस टूल बार, ये आपके क्विक एक्सेस टूल बार है, ये दिख रहे हैं, ये आपका एक स्पेशल पार्ट होता है, ये आपका कहा होता है टाइटल बार, ये जो आपका टू क्विक एक्सेस टूल बार है, ये क्या है, क्विक एक्सेस टूल बार होता है, लिखा है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, ये आपके किस में है, टाइटल बार में होता है, ठीक है। किसी काम को आसानी करने के लिए आवश्यक होता है टाइटल बार, आपको मैंने बताया, या आपको अभी डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ है, वर्ड फाइल लिखा हुआ है, जब हम किसी नाम से इसको सेव करेंगे वो नाम यहाँ पे आपका शो होने लगेगा। करके देखते हैं, सबसे पहले देखिए सेव बटन है, इसमें मेनू में आपको इस मिलेगा यहाँ पे, लेकिन ये इसके शॉर्टकट भी दिए गए हैं आपको, लेकिन न्यू ओपन सेव सेव एज प्रिंट पेज सेटअप, ये आपको सब मिला जैसे नोट पैड में था, लेकिन इसका शॉर्टकट भी यहाँ पे आपको मिल रहा है, जैसे सेव हम इसको कर ले जाएंगे, इस सेव पे आप क्लिक करेंगे, सेव डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाएगा। हमको अपने फोल्डर में लेके जाना है, यहाँ से फोल्डर सेलेक्ट कर लिया, देखिए उसका एक्सटेंशन क्या होता था, .tfc होता था, लेकिन इसका क्या है, RTF है, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट होता है, ठीक है। हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का नाम नहीं दिया, यही कर दिया, ये भी नाम यहाँ पे दे दिया, और सेव पे क्लिक किया। अब देखिए डॉक्यूमेंट्स के स्थान पे क्या आ गया, जिस नाम से हमने सेव किया वो नाम आपका शो होने लगा, क्लियर है। अब ये देखिए ये आपका रिबन है, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिबन, ये आपके टाइटल बार पे क्या होता है, नीचे होता है, क्लियर है। इसमें सभी मेनू बार में जो आपके ऑप्शन भाग में वर्ड वर्ड पर टैब है, ये आपके क्या कहलाते हैं, टैब कहलाते हैं, जो आपके मेनूज में होते हैं, जो आपके विकल्प जैसे मेनू में आपके उपलब्ध है, ये आपके यहाँ पे शो हो रहे हैं, ये देखिए व्यू का आपके शो हो रहा है, ये होम का, ये आपका फाइल का अलग, क्लियर। इसके नीचे और सबसे लास्ट रिबन के नीचे आपका ये रूलर है, ये क्या है, रूलर, रूलर में क्या हो, स्केल है आपकी, ये देखिए 1 2 3 आपका स्केल बना हुआ है, क्लियर। इसके नीचे सबसे नीचे आपका क्या होगा, स्टेटस बार होगा, ये आपका स्टेटस बार है, और ये आपको जो आपको व्हाइट एरिया जो शो हो रहा है, ये आपका क्या कहलाएगा, टेस्ट एरिया कहलाता है, जहां पे हम लोग वर्क करेंगे, क्या करते हैं, ये विंडोज का सॉरी वर्ड पैड का सबसे बड़ा और मध्य भाग होता है, कौन सा, टेस्ट एरिया, जहां पे हम लोग डॉक्यूमेंट्स को टेस्ट को टाइप करते हैं, क्लियर है। चलिए एक एक हम लोग मेनू लेते हैं, सबसे पहले हम लोग फाइल मेनू लेते हैं, इसमें भी पहला ऑप्शन क्या है, न्यू, न्यू ऑप्शन क्या करेगा, नया वर्ड पैड डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए न्यू ऑप्शन प्रयोग करते हैं, क्लियर है। ओपन, पहले से बने हुए वर्ड पैड फाइल्स को ओपन करने के लिए हम लोग ओपन ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। सेव, जो डॉक्यूमेंट्स या जो वर्ड पैड में हम करंट में टाइप कर रहे हैं, लिख रहे हैं, टेस्ट लिख रहे हैं, यदि हमको इसको किसी नाम से सेव करना है तो हम लोग सेव ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है सेव एज, सेव एज ऑप्शन का प्रयोग पहले से की गई सेव की गई फाइल को यदि हमको किसी दोबारा दूसरे नाम से सेव करना है, यदि हम तो हम लोग क्या करेंगे, सेव एज ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। सेव में क्या होगा, वही आपकी फाइल उसी नाम नेम पे सेव हो जाएगी जिस नाम से हमने सेव किया है, लेकिन हमने जो हमारी पहले से फाइल जो सेव है, यदि हम चाहते हैं कि किसी दूसरे नाम से सेव हो जाए, सेव करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, सेव एज ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। प्रिंट ऑप्शन का प्रयोग अपने डॉक्यूमेंट्स को का प्रिंट आउट निकालने के लिए, हार्ड कॉपी निकालने के लिए हम लोग प्रिंट कमांड का प्रयोग करते हैं। पेज सेटअप, जो आपका वर्ड पैड है इसकी जो पेज की सेटिंग है, पेज की सेटिंग मतलब आपको कितना मार्जिन सेट करना है, हेडर फुटर क्या रखना है, ये सब सेटिंग हमारे किसके माध्यम से होती है, पेज सेटअप के माध्यम से होता है। सेंड इन ईमेल,
आपको अपना वर्ड डॉक्यूमेंट्स आपको ईमेल में सेंड करना है तो हम लोग इस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे, सेंडिंग ईमेल अबाउट वर्ड पैड। अबाउट वर्ड पैड की जानकारी के लिए हम लोग इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। एडिट विंडो कमांड का प्रयोग अपने वर्ड जो आपका करंट में वर्ड पैड डॉक्यूमेंट्स ओपन है उसको बंद करने के लिए, या इससे हमको बाहर यदि जाना है तो हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, एग्जिट ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। दूसरा मेनू है आपका होम मेनू। होम मेनू में आपके रिबन में सब ऑप्शन दिख रहे हैं, देखिए कट कॉपी पेस्ट तीन ऑप्शन ये दिख रहे हैं। क्लियर है। ये आपका फॉन्ट मेनू है जो आपको ओपन हो रहा था उसमें। ये आपका पैराग्राफ की सेटिंग के लिए है। यह आपका इंसर्ट ऑप्शन है। यह आपका एडिटिंग टूल है। चलिए हम लोग इसमें टाइप करते हैं। ओके SIS लिखा, देखिए कितना भी छोटा आ रहा है। यदि हमको इसको बड़ा करना है अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट करके यहां से आपके अब ऑप्शन नहीं मिलेगा, यहां यहां से हम लोग इसको साइज का बढ़ा सकते हैं। देखिए बड़ा हो गया, जितना बड़ा करना चाहे बड़ा कर सकते हैं। और आपका नेक्स्ट ऑप्शन आपका छोटा ही रहेगा, लेकिन हम सेलेक्टेड आइटम को जैसे हमको सिर्फ डी को बड़ा करना है, इसको हम लोग सेलेक्ट करके यहां से उसका फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं, जबकि ऐसा नोटपैड में ऐसा हम लोग नहीं कर सकते थे। आप लोगों ने देखा उसको सेलेक्टेड आइटम का हम लोग उसमें फॉर्मेटिंग हम लोग इसमें नहीं कर सकते। अब हमको इसका इसको बोल्ड करना है, यहां से हम लोग बोल्ड कर सकते हैं। इटैलिक अंडरलाइन यह ऑप्शन का प्रयोग हम लोग इसमें कर सकते हैं। इसका यदि हमको कलर चेंज करना है उसको आप सेलेक्ट करिए, इस ऑप्शन में जाइए, देख रहे यह आपका कौन सा ऑप्शन है, फॉर्मेट फॉर्मेट फॉन्ट फॉन्ट से संबंधित जो भी प्रोसेस है इसमें आपको मिलेगा। यह आपको फॉन्ट के लिए है, आपको कौन सा फॉन्ट रखना है, इतने सारे देखिए इसमें फॉन्ट दिए गए हैं, जो आपको अच्छा लगे हम लोग इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं। हिंदी फॉन्ट आपको लेना है हिंदी फॉन्ट यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी फॉन्ट आपको चाहिए यहाँ से आपको मिल जाएंगे। क्लियर है। इसका हमको बैकग्राउंड कुछ चाहिए रख सकते हैं, जो मैटर है उसके पीछे का आपको बैकग्राउंड चेंज करना है तो हम लोग यहाँ से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। टेस्ट हाईलाइट कलर, इसको क्या बोलते हैं, टेस्ट हाईलाइट कलर, इसको क्या बोलेंगे, टेस्ट कलर। यदि हमको टेस्ट का कलर चेंज करना है तो हम लोग इस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे, और उसके हाईलाइट का प्रयोग करना है, उसके बैकग्राउंड पीछे इसके बैकग्राउंड का हमको प्रयोग चेंज करना है तो यहाँ से हम लोग इसको टेस्ट को हाईलाइट भी हम लोग करते हैं वो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। यहां से फॉन्ट कम ज्यादा कर सकते हैं, जैसे हमने ये सिलेक्ट किया ये बड़ा करना है डायरेक्ट यहां से कर सकते हैं, यहां से न करके छोटा करना है तो यहां से कर सकते हैं। इसी ऑप्शन में एक हमारा ऑप्शन आता है, ध्यान से देखिएगा, इसको हमको बड़ा करना है हम डायरेक्ट यहां से कर सकते हैं। इसको बीच से काटना है हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे, ये देखिए ये लिखा हुआ है आपका ये स्टाइल टूल, इस पर क्लिक कर देंगे। इन ऑप्शन का आप प्रयोग करिए, ज्यादा मैं इसलिए आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एक एक ऑप्शन का आप उठाइए, सबसे पहले कट कॉपी पेस्ट करिए, मैंने आपको बता चुका हूँ फॉन्ट आपका आपका ऑप्शन रह गया था इसलिए मैं आपको इसमें और इसकी विस्तृत जानकारी हम लोग MS वर्ड पढ़ेंगे। अभी तो हम लोग चेस्टर पढ़ रहे हैं, जैसे नोट पैड वर्ड पैड पढ़ रहे हैं, जब हम लोग MS वर्ड पढ़ेंगे तो हम आपको विस्तार से पूरे वन बाई वन पूरे ऑप्शन को डिस्क्राइब करेंगे। क्लियर है, इतना आप लोग करिए, जहाँ ना समझ में आए आप लोग पूछिए, लेकिन आप लोग इसकी प्रैक्टिस अवश्य करिए जरूर। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ये पूरा आपको याद रहेगा, आपको भूलेंगे नहीं आप इसको। चलिए।